हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम सभी ने मिलकर लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से मैंने आपको कई न्यूरॉन पढ़ाए थे और कुछ न्यूरॉन्स के टाइप भी बताए थे कि इस टाइप के न्यूरॉन्स सेल्स होते भी हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्सिव एक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव एक्शन हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, देन आपको फिर मैं इसके फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है बच्चों एक गर्म प्लेट, ये आपके पास एक हॉट प्लेट, गर्म प्लेट है। ठीक है बच्चों, हंसना मत, अब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी तो है नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये किसी का हाथ है, पता नहीं क्या बना दिया, हाथ है क्या है। ठीक है, और ये पोपाय द सेलर मैन की तरह हाथ है भाई। ठीक है, और ये ब्रेन का हिस्सा बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये हाथ है, यहां पर होता है इफेक्टर। ठीक है, मसल्स। ठीक है, मसल टिश्यू, मांसपेशियां या पेशी उत्तक, नहीं पेशी लिखो, मसल्स ही लिखो, पेशी। ठीक है जी, अब देखो, और ये ब्रेन है। ठीक है जी, ये ब्रेन है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। अब देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव एक्शन में हॉट प्लेट पे मान लो गलती से हाथ पड़ गया किसी इंसान का। अब जैसे ही यह हाथ टच हुआ, हैंड टच हुआ, तुरंत इसके स्किन को एक सेंस जाएगा, किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हिंदी में संवेदी तंत्रिका कोशिका। ध्यान से सुनना, जैसे ही गर्म प्लेट को टच करेंगे तुरंत एक सेंस जाएगा, किसमें भाई, सेंसरी न्यूरॉन में। किसके थ्रू जाएगा, स्किन के थ्रू जाएगा, स्किन ऑफ हैंड, स्किन ऑफ हैंड, हाथ की चमड़ी या क्या कहें, स्किन, त्वचा, हाथ की त्वचा। ठीक है जी, हाथ की त्वचा से एक सेंस जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में। क्या सेंस जाएगा, कि आपने गर्म प्लेट को टच कर लिया है। फिर ये यहां से, ये सेंसरी न्यूरॉन यहां से यहां जाएगा, देख रहे हो, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये पूरा कौन है, ये भी सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, और क्या लेके जा रहा है, सेंस लेके जा रहा है, किस चीज की सेंस लेके जा रहा है, कि भाई इसने गर्म प्लेट पकड़ ली है। अब बात ये अचानक से, बात ये है अचानक से ये क्या करेगा भाई, ये क्रिया होगी, मतलब आप जैसे गर्म प्लेट पर टच करोगे तो आप सोचोगे थोड़ी, तुरंत हाथ डालोगे, तो भाई इस वजह से ये ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक, मेरु रज्जू तक पहुंचेगा, मेरु रज्जू तक ये सेंस पहुंचेगा। क्योंकि जो भी काम हम अचानक से करते हैं, सडनली करते हैं, इनवॉलेंट्री करते हैं, तो वो हम स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। फिर यहां से जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक न्यूरॉन और है जिसका नाम है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रसारण, प्रसारण तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बच्चों इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि भाई सेंस को पलट के रख देना, कि भाई सेंस को किस प्रकार से पलट देता है, कि यहां से सेंस गया कि हाँ जी हॉट प्लेट को टच किया, हॉट प्लेट को टच किया, हॉट प्लेट को टच किया, लेकिन रिले न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड से जवाब पूछा कि क्या करें, तो भाई स्पाइनल कॉर्ड ने रिले न्यूरॉन का जवाब दिया कि भाई एक काम करो,
तुम मोटर न्यूरॉन को जाके बोलो कि सेंसरी न्यूरॉन सेंस लेकर आया है कि गर्म प्लेट को टच किया गया है। तो मोटर न्यूरॉन को बोला गया कि आप ना हाथ हटाने का प्रोसेस करवाओ। तो बस यही काम रिले न्यूरॉन किसमें डाल देगा भाई, ये रहा। यही काम रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन में जवाब डालेगा प्रेरक तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है जी। प्रेरक तंत्रिका कोशिका में क्या है भाई, जल्दी बता दो। प्रेरक तंत्रिका कोशिका में जवाब डाल दिया जाएगा कि प्यारे बच्चों आप यहां से हाथ क्या कर लो, हटा लो। और किससे हटवा देगा, इस इफेक्टर से। ये मसल्स जो है ना, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टर या इफेक्टर। इफेक्टर हिंदी में कहते हैं कार्यकर, हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यकर। कि भाई अब फिर से सुनेंगे कैसे कैसे सेंस जाता है, कैसे कैसे आता है। यहां से गर्म प्लेट को टच किया गया, ठीक है, किसने किया, स्किन ऑफ हैंड ने। क्या भाई, इसने क्या एक्सेप्ट किया, सेंस एक्सेप्ट किया, आवेग, आवेग एक्सेप्ट किया। और फिर उस आवेग को सेंसरी न्यूरॉन में डाला कि भाई इसने कोई गर्म प्लेट टच कर लिया। तुरंत ये लेके गया कहां, मेरे हिसाब से तो ये इसमें टच नहीं होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तुरंत सेंस लेके जाएगा, सेंस लेके जाएगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड को बोल देगा कि हाँ जी हाथ ने गर्म चीजों को टच कर लिया। तो तुरंत ये जवाब पलट देगा किसके थ्रू, रिले न्यूरॉन के थ्रू। किसको, मोटर न्यूरॉन को। क्या बोलेगा, भाई जाके हाथ हटवाओ। तो बस ये मैसेज लेके जाएगा कहाँ पे, इफेक्टर पे, मसल पेशी पे, और तुरंत क्या करेगा, हाथ हटा लेगा। तो मतलब इतना सारा काम विद इन माइक्रो सेकेंड में हो जाता है, सेकंड भी नहीं बोलूंगा मैं, माइक्रो सेकंड। क्योंकि आप टच करते हो और करते ही बिल्कुल हटा लेते हो, हल्का सा भी टच होता है। अगर मान लो किसी ने मजाक में, आप ऐसे खड़े हो टी शर्ट में हो, और आके आपके हाथ पे किसी ने गलती से गर्म या ठंडा भी टच कर दिया, तो आप एकदम से हिल जाते हो, ऐसे हो जाते हो, इस तरीके से हो जाते हो। क्यों, क्योंकि भाई आपको अचानक से ये सेंस लेके गए स्पाइनल कॉर्ड में, कैसा रिएक्शन करे रिले न्यूरॉन ने, ट्रांसफर किया मोटर न्यूरॉन पे, और फटाफट मोटर न्यूरॉन ने बोला भाई हाथ हटा ले या हिल जा या कुछ भी कर ले, अपना हाथ वहां से हटा लो, किसी भी हाल में अपना बॉडी पार्ट वहां से हटा लो, आपको ऐसा फील होता है। तो बस इन्हीं सारी चीजों को बोला जाता है क्या भाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन। और इसको हम साथ ही साथ सेरेब्रल, सेरेब्रल, सेरेब्रल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, ठीक है। फिर मैं इसका फ्लो चार्ट भी बनवाता हूँ आपको, और फिर लिखते हैं, फिर आज ही आज में मैं ब्रेन भी खत्म करा दूंगा आपको। चलिए ये नोट कर लिया होगा, चलिए अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। पहला भाई यहां पर है आपका हैंड, यहां पर आपका क्या है, यहां से करते हैं, यहां पर है आपका हैंड, हाथ जो एक स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है, ठीक है। अच्छा ये होता है रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब ग्राही, ग्राही मतलब कौन, जो एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, सेंस, क्या एक्सेप्ट करता है, सेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंसरी, और फिर उसके बाद ये ग्राही मतलब सेंस लेता है, कौन लेता है सेंस, स्किन लेता है बच्चों, सेंस, सेंस कौन लेता है, स्किन, ठीक है। मैंने ये बात पहले ही बता दी, स्किन ऑफ हैंड। और फिर किसमें जाता है ये, फिर भाई मैसेज जाता है किसमें, सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन में। हिंदी में आपको पता ही है सेंसरी न्यूरॉन को क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और फिर कहां चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरु रज्जू, ठीक है। फिर यहां से रिले न्यूरॉन के द्वारा किसमें डाल दिया जाता है, मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या है, प्रेरक तंत्रिका। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन काम कर रहा है, रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन कौन है, प्रसारण, ठीक है। फिर ये यहां से उठा के किस पे डाल देता है, इफेक्टर पे, मोटर न्यूरॉन से किस पे डाल देता है, इफेक्टर पे, इफेक्टर मतलब कार्यकर, ठीक है। और कार्यकर के बाद फिर यहां से क्या हो जाता है, फिर यहां से रिस्पॉन्स आता है, फिर यहां से क्या आता है,
रिस्पॉन्स आता है। कैसा रिस्पॉन्स आता है? टू रिमूव हैंड, टू रिमूव हैंड फ्रॉम हॉट प्लेट, हॉट प्लेट। हिंदी वाले क्या बोलेंगे कि भाई अपने हाथ को गर्म प्लेट से हटा लेता है, अपने हाथ को गर्म प्लेट से क्या कर देता है, हटा लेता है। तो बच्चों ये इसका फ्लो चार्ट है। पहला हैंड उद्दीपक स्टिमुलस, क्या करता है, गर्म चीज को टच करता है, रिसेप्टर सेंस जाता है किसमें, सेंसरी न्यूरॉन में, स्पाइनल कॉर्ड का रिले न्यूरॉन ट्रांसफर कर देता है मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन क्या करता है भाई, इफेक्टर को मैसेज करता है कि भाई टू रिमूव हैंड फ्रॉम द हॉट प्लेट, गर्म प्लेट से अपना हाथ हटा लीजिए। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर एक और करवाते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आराम से उतार लीजिए, ठीक है, तसल्ली से बिल्कुल। चलिए ये नोट भी कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, एक एक बात मैंने लिखवा दी है। अब पिछले 2 साल से बच्चों मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये आ नहीं रहा, इसके बदले मैं एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो आ रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं देख रहा था कि रिफ्लेक्सिव एक्शन ही आता था, जो अभी मैं पढ़ाया ना आपको यही आता था बार बार पेपर में, लेकिन पिछले कितने साल से, 2 साल से मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि भाई जो ये पढ़ाया जा रहा है ये वाला नहीं आ रहा। बच्चों आई ब्लिंक का आ रहा है, किसका आ रहा है, आई ब्लिंक का, कि मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं सिंपल और आपकी आंखों पे टॉर्च की लाइट फॉल करा दी जाए, मार दी जाए, तो आप अचानक से आंख बंद कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे ही होता है। कभी कभी आप डॉक्टर के पास भी जाते होगे, अगर किसी बच्चे की आंख थोड़ी सी वीक है तो जरूर अपने डॉक्टर के पास जाता होगा, और उनका डॉक्टर उनके आंख को खोल के उस पर टॉर्च मार देता है, लाइट मार देता है, ठीक है, तो आप तुरंत क्या करने लगते हो, आंख बंद करने लगते हो, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, कैसे, तो बच्चों ये भी एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है। कैसे, क्योंकि अचानक से आपके आंखों पे लाइट मारी गई, इस वजह से आप क्या हो गए भाई, आपने आंखें बंद कर ली, वरना भाई आंख पे तो रोशनी हर समय पड़ी रही है, अभी भी पड़ रही है, मेरे को दिखाई दे रहा है, आप भी अभी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो आपकी आंखों पर रोशनी पड़ रही है, लेकिन अचानक से कोई कर दे तो फिर आपको बड़ा क्या लगता है, अजीब लगता है। या आप एक काम करो, आज आप ट्राई करना, आप ना फोन देखते रहना देखते रहना देखते रहना, और कमरा बिल्कुल कर देना पैक, और एकदम से सारी लाइट बंद कर देना, देखना आपको बड़ा अजीब सा लगेगा फोन, उस टाइम आपको थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लगेगा। या अंधेरे में फोन देखते रहो और एकदम से लाइट जला दो, फिर भी आपको अजीब लगेगा, क्यों, क्योंकि अचानक से लाइट आपकी आंखों पर पड़ गई। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्सिव एक्शन में ही आती है। तो इसका भी बच्चों फ्लो चार्ट देख लीजिए, ठीक है, इसका भी फ्लो चार्ट देख लीजिए, बस इसमें एक नई चीज फर्क आ जाएगा, ये ब्रेन से होएगा, ये किससे होएगा, ब्रेन से कंट्रोल होगा, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ पूरी तरीके से। जैसे ये हो गया आपका स्टिमुलस, स्टिमुलस उद्दीपक मतलब ब्राइट लाइट, ठीक है जी, ब्राइट लाइट हिंदी में तेज रोशनी, तेज रोशनी, ठीक है, किस पे पड़ेगा, रिसेप्टर पे, रिसेप्टर कौन है आपका, आई, आंख, ठीक है। और भाई फिर सेंस लेके जाएगा, ये सेंस लेके जाएगा किससे, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, मतलब संवेदी तंत्रिका, दी तंत्रिका कोशिका, किस पे लेके जाएगा, किस पे लेके जाएगा, ब्रेन पे लेके जाएगा, ठीक है, ब्रेन पे लेके जाएगा, फिर ब्रेन से कहाँ लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन में, किसमें लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन मतलब प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है, हाँ। और फिर किस पे आएगा भाई, ये आएगा इफेक्टर, इफेक्टर किस पे आएगा, इफेक्टर, और इफेक्टर कौन है बच्चों, जिस तरह हमारे हाथ को उठाने के लिए, हमारे हाथ को उठाने के लिए मसल कौन था, ये था बच्चों, ये चीज अगर इसको टाइट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये चीज है। लेकिन बच्चों हमारे आंख पे तो कोई मसल टिश्यू नहीं है, तो हमारी ये ब्लिंक, ये जो पलके हैं वो करेगी ये काम, वो, ठीक है, ये काम वो करेगी। तो हम यहां पे लिख देंगे सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरिस, सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरिस ऑफ आई, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा भाई,
रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा किस चीज का? प्यूपिल श्रिंक, ठीक है, पुतली सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? ठीक है, आंख, आंख, आंख के पुतली का वृत्तीय पेशी, वृत्तीय पेशी, वृत्तीय पेशी क्या? ये आपकी आंख के पलके, ठीक है। ये क्या होंगी भाई? इसके ऊपर ये इफेक्ट रही है, तुरंत क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। मतलब पीपिल जो होगी वो आपकी तुरंत, जो आंख की आपकी काली काली जो ये पॉइंट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? अपने आप सिकुड़ने लग जाएगी। तो बच्चों ये हमारे रिफ्लेक्सिव एक्शन ऑफ आई है। ये किसका टॉपिक है? रिफ्लेक्सिव एक्शन ऑफ आई, या हिंदी में क्या बोलेंगे? आंख का प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्सिव एक्शन ऑफ आई, आंख की प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। फटाफट कर दो काम, नोट कर लो बच्चों, ये कई बार आ गया है बनाने के लिए, तो इसलिए अच्छे से इसको नोट कर लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बचता है आपका ब्रेन। ब्रेन अभी लिखवा देते हैं बच्चों, तुरंत टेंशन ना लो। फिर रह जाएंगे ग्लैंड्स, ग्लैंड्स एक क्लास में खत्म, यानी नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आप लोगों को फिजिक्स शुरू करवाऊंगा। 12th चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, चलिए लिखना शुरू करें। लिखते हैं बच्चों, पहले मैं इंग्लिश वालों को लिखवा रहा हूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एक्शन के बारे में, फिर हम हिंदी वाले को लिखवाएंगे। चलिए बच्चों, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। अभी जो मैंने आप लोगों को हैंड वाले में लिखवाया था ना मैंने, उसमें मैंने आपको गलती से नाम लिखवा दिया सेरेब्रल रिफ्लेक्सिव। उसका सेरेब्रल रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड से होता है ना, तो वहां से सेरेब्रल काट के स्पाइनल, हैंड वाले में आप लिखो स्पाइनल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, ठीक है। और इस आंख वाले में लिखो क्या लिखोगे? सेरेब्रल, क्योंकि सेरेब्रल तो ब्रेन में होता है ना, सेरेब्रल, सेरेब्रल रिफ्लेक्स, ये लिखो रिफ्लेक्स, ठीक है जी, स्पाइनल रिफ्लेक्स और वो सेरेब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। ये ब्रेन से हो रहा है इसलिए सेरेब्रल, वो स्पाइनल से हो रहा था इसलिए स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है, इस चीज के लिए माफी। चलिए लिखते हैं जरा रिफ्लेक्सिव एक्शन, पहले हैंड के बारे में लिख लो फिर आई के बारे में लिखते हैं। हैंड के बारे में लिखिए, लिखिए द रिफ्लेक्स एक्शन इज एन, द रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, द रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स एक्शन फटाफट लिखेंगे, द रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, लाइक इन विच वी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस
इन विच वी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज अवर रिएक्शन टू टचिंग अ हॉट प्लेट, रिएक्शन टू टचिंग अ हॉट प्लेट। या हॉट ऑब्जेक्ट कुछ भी से कर सकते हो। वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट वी पुल अवर हैंड अवे, वी पुल अवर हैंड अवे, वी पुल अवर हैंड अवे दिस शॉर्ट ऑफ वेरी फास्ट, दिस शॉर्ट ऑफ वेरी फास्ट। बिकॉज वेन वी टच हॉट प्लेट, वेन वी टच हॉट प्लेट द स्किन ऑफ हैंड, द स्किन ऑफ हैंड गेट्स सेंस, द स्किन ऑफ सेंस गेट्स सेंस एंड द सेंस goes to the spinal cord, goes to the spinal cord through the sensory neuron, through the sensory neuron and when sense reaches at a spinal cord, it gets answered and goes ahead to the motor neuron, and goes ahead to the motor neuron through the relay neuron and motor neuron gives response to the effector to pulled away hand from hot plate। ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चों आई वाले का भी लिखो, आई वाले का। लिखो, when a bright light falls on the eye, the light receptors in the eye produce impulses in the sensory nerves. The sensory nerves carry this message of bright light
of bright light in the form of electrical impulses in the form of electrical impulses 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 to the brain to the brain the brain produce the response the brain produce the response to the motor nerves to the motor nerves to the motor nerves and then effector gets response and then effector gets response effector gets response and pupils shrink and people shrink and people shrink people shrink ठीक है जी तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हुआ खत्म ठीक है हिंदी वालों को लिखवाना रह गया हाँ हिंदी वाले लिख लो एक बार फटाफट हिंदी वाले लिख लो उसके बारे में लिखो पहले किसके बारे में लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप ठीक है आर्क के बारे में लिखो चलो लेकिन यह एक अति तीव्र क्रिया है जो यह एक अति तीव्र क्रिया है जो यह अति तीव्र क्रिया है जो हमारे मेरुरज्जु की सहायता से संभव होती है जो हमारे मेरुरज्जु की सहायता से संभव होती है मेरुरज्जु की सहायता से संभव होती है जैसे जैसे गर्म प्लेट को छूने पर 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 छूने पर हमारी संवेदी तंत्रिका हमारी त्वचा से संवेदना लेकर हमारी त्वचा से संवेदना लेकर मेरुरज्जु तक जाती है मेरुरज्जु तक जाती है और मेरुरज्जु तक जाती है और प्रसारण तंत्रिका द्वारा इसके जवाब को प्रेरक तंत्रिका में भेज देती है प्रेरक तंत्रिका में भेज देती है जहां से कार्यकर हाथ को गर्म प्लेट से हटा देता है कार्यकर गर्म प्लेट से हाथ को हटा देता है बच्चों एक मिनट इसको लिखना हाँ जी बच्चों अब ये आई वाला लिखेंगे आई वाला देखिए लिखेंगे हाँ जी लिखिए जब जब आंखों पर
तेज रोशनी पड़ती है, जब आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो आंख की तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं, आंख की संवेदी तंत्रिकाएं संवेदना लेकर मस्तिष्क तक जाती है, संवेदना लेकर मस्तिष्क तक जाती है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा आंख की पुतली की पेशियों को प्रभावित करती है और पुतलियां सिकुड़कर यह प्रतिवर्ती क्रिया करती हैं सिकुड़कर यह प्रतिवर्ती क्रिया करती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में बच्चों मैं आपको ब्रेन और हॉर्मोन्स ये दो टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, वैसे करवाना क्या है इसकी, तो वैसे मैं असल में आप लोगों को यानी कि नोट इसका वो दूंगा आपको मैं, क्या नाम है, PDF, क्योंकि इसमें करवाने वाला लिखवाने वाला बहुत ज्यादा है, समझाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसकी PDF आपको मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में आपका जो भी था वो सब कुछ हो गया खत्म। ब्रेन और हॉर्मोन्स यहाँ पे मैं समझा दूंगा, लेकिन लिखने के लिए आपको क्या मिलेगा, इसका PDF मिलेगा बच्चों। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्या करवाऊंगा, फिजिक्स करवाऊंगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको ब्रेन और ये आपका ब्रेन और हॉर्मोन्स ये पहले आपको समझाया जाएगा, बाकी आपको PDF मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज का समझाने वाला बहुत मेन था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे।